नमस्कारम सद्गुरु। मैंने चुंबकीय भूमध्य रेखा के महत्व के बारे में पढ़ा है और प्राचीन काल में उस रेखा पर चिदंबरम नटराजन मंदिर जैसे रहस्यमय स्थान कैसे स्थापित किए गए थे। साधकों के लिए चुंबकीय भूमध्य रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम चुंबकीय भूमध्य रेखा कहते हैं तो हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के एक तरह से शून्य प्रभाव की बात करते होते हैं। चुंबकीय भूमध्य रेखा यानी कि न तो उत्तर के और न ही दक्षिण के खिंचाव का आप पर अधिक असर है। आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां असर लगभग शून्य है। तो जब आप चुंबकीय भूमध्य रेखा पर हों तो यह आपकी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर उठने देती है। यह ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि कुछ भी टेढ़ा नहीं है। अगर आप उत्तरी क्षेत्र में हैं तो उत्तरी खिंचाव एक खास तरह से मौजूद होगा, तो आपका सिस्टम हमेशा उसके साथ तालमेल में होने की कोशिश करता है। ये कुछ ऐसे है, अगर आप अपनी कार चला रहे हों तो पहिए में अलाइनमेंट में थोड़ी सी समस्या से वो लगातार एक तरफ खींचती है, लेकिन आप संभाल सकते हैं, है ना। कोई भी कार ट्रैक पर, शायद फॉर्मूला वन रेसिंग कार के सिवाय, शायद कोई भी कार वाकई बिल्कुल ठीक से अलाइन नहीं होती। उनमें से सभी या तो दाहिनी या बाईं तरफ खींचती हैं, लेकिन शायद वो बहुत हल्का हो कि आप परेशान ना हों। पहली बात, ज्यादातर लोगों को तो इसका पता भी नहीं चलता। अगर आप स्टीयरिंग से हाथ हटा लें और गाड़ी चलाएं तो वो सीधी नहीं जाएगी। थोड़ी दूर वो सीधी जाएगी और फिर तिरछी, और फिर सड़कें भी अच्छी नहीं हैं। परफेक्ट समतल सड़क जैसी कोई चीज नहीं होती, तो उसमें सड़क का भी हाथ है। खैर, जो भी हो, ये काफी यह असंभव नहीं है, लेकिन चारों पहियों को परफेक्टली अलाइन करना लगभग असंभव है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है। एक आम साधारण कार में यह संभव नहीं है। रेसिंग कार में वो इसे करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पीड पर पहुंच रहे हैं कि अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो ये जरा सी अलाइनमेंट समस्या रेस ड्राइवर को कुछ ही सेकंड में कॉर्नर में स्लो कर सकती है। तो वो इसे परफेक्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक अलाइनमेंट। मुझे नहीं पता कि क्या उन्हें भी वो बिल्कुल सटीक अलाइनमेंट हासिल हो पाता है या नहीं, लेकिन लगभग सटीक अलाइनमेंट से वो काम चलाते हैं। तो जब आप चुंबकीय भूमध्य रेखा पर होते हैं तब आप चुंबकीय दृष्टि से लगभग सटीक अलाइनमेंट में होते हैं। इसका मतलब है कि उत्तर की ओर कोई खिंचाव नहीं है और दक्षिण की ओर कोई बल नहीं है, जिसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने के लिए ज्यादा आजाद है। और अब केंद्रीय बल के कारण भी ये ऊपर की ओर उठती है। इसका मतलब कि जीवन अपने सर्वश्रेष्ठ पर नृत्य कर रहा है। तो वहां पर नटराज को यह दर्शाने के लिए स्थापित किया गया कि यहां जीवन अपने शिखर पर है। अगर आप वहां हों और सही चीजें करें तो आपका जीवन अपने नृत्य के चरम प्रदर्शन पर होता है। जब हम डांस कहते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि मैं नहीं जानता कि आप रॉक एंड रोल किस्म के हैं या हिप हॉप किस्म के हैं या बॉलरूम किस्म के हैं या भरतनाट्यम किस्म के हैं। हम नहीं जानते कि आप किस किस्म के हैं, क्योंकि जब हम डांस कहते हैं तो उसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। तो मुख्य रूप से नृत्य का मतलब उल्लास है। अदाओं के साथ ये और वो करना, ये नृत्य नहीं है, ये बस दिखावा है। नृत्य का मतलब उल्लास है, जीवन अपने सर्वश्रेष्ठ पर है। तो आज भौतिक वैज्ञानिक सब एटॉमिक कणों के खेल को कणों के नृत्य के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है, सर्न के सामने नटराज की मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो आपको पता है, वहां पर वो परमाणुओं को आपस में टकराने की कोशिश कर रहे हैं। मानो धरती पर टकराव काफी नहीं है। So that is indicative of
the dance of subatomic particles which makes the whole existence happen the way it is. ये subatomic कणों के नृत्य को दर्शाता है जिससे पूरा अस्तित्व वैसे घटित होता है जैसे वो है। तो क्योंकि वहाँ चुंबकीय बल शून्य है तो दोनों तरफ से कोई खिंचाव या धक्का नहीं है और उस अक्षांश पर काम कर रहे सबसे ऊंचे अपकेंद्रीय बल के कारण करीब करीब ऊपर की दिशा में जीवन अपने शिखर पर होता है। और अगर आप अपने जीवन के साथ सही चीजें कर रहे हैं तो आपका जीवन बहुत उल्लासमय होता है। इसी से संस्कृति शब्द आया है जिसका मतलब है कि संभाव में होना, संबुद्धि। चुंबकीय भूमध्य रेखा संभाव और उल्लासमय होने की सूचक है। तो उल्लास के सर्वोच्च स्तर पर और सर्वश्रेष्ठ संभव संभाव में अगर अलाइनमेंट बढ़िया है, गति बढ़िया है, तो वही विजेता होता है। तो इसीलिए चिदंबरम के मंदिर में शिव का एक आयाम शून्य का है या रिक्तता का है। लोग इसके बारे में आकाश के रूप में बताते हैं क्योंकि ये तत्वों में से एक है। वो आयाम भी वहां पर है क्योंकि जीवन के निश्चलता के भौतिक अनुभव में जो सबसे करीबी चीज लोग जानते हैं वो आकाश है। दूसरे सारे तत्व गतिशीलता की एक खास अवस्था में है। आकाश निश्चल लगता है, ये पूरी तरह निश्चल नहीं है लेकिन निश्चल मालूम पड़ता है। तत्वों में से सबसे ज्यादा निश्चल और मौन तत्व है। तो वहां आकाश की पूजा होती है और एक प्रक्रिया है जो खालीपन है, या माफ कीजिएगा, शून्य है। शून्य का मतलब है भौतिक प्रकृति से परे। और वहां नृत्य है। तीनों एक ही मंदिर में मौजूद हैं ये दर्शाने के लिए कि ये स्थान इसी के लिए तैयार किया गया है और उन्होंने इसे संभव बनाने के लिए सही किस्म का भौगोलिक स्थान चुना है।